हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है अरुण और आप देख रहे हैं ट्रेड विद अरुण यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो बहुत ही एक बेसिक सा वीडियो है और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। जनरली जो लोग मार्केट में नए हैं या बहुत सारे लोग जो अभी भी ट्रेड करते हैं लेकिन उनको ये नहीं पता होगा कि निफ्टी फिफ्टी है क्या। जनरली वो सिर्फ इतना ही बता पाएँ कि निफ्टी फिफ्टी में 50 कंपनियाँ हैं, उसके अकॉर्डिंग इंडेक्स बना है। लेकिन आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि वो क्या क्राइटेरिया होते हैं जब कंपनी कोई निफ्टी में आती है, यानी निफ्टी फिफ्टी में आती है, क्या क्राइटेरिया हैं जिनकी वजह से कंपनी बाहर हो जाती है, इंडेक्स की रीबैलेंसिंग कब होती है, कौन से स्टॉक का कितना ज़्यादा परसेंटेज है निफ्टी में, कि अगर वो स्टॉक भाग रहा है तो फिर उसका क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है। तो इन सारे सवालों के जवाब आज मैं आपको इसी वीडियो में दूंगा। तो प्लीज़ अगर आप चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, और वीडियो पसंद आते हैं तो लाइक ज़रूर किया कीजिए, और अगर कुछ इशू है तो कमेंट सेक्शन में जाकर आप बता भी सकते हैं, और साथ ही साथ आप बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आने वाले जो भी चाहे लाइव ट्रेडिंग वीडियोज़ हों, आप देखते ही हैं कि जनरली हम अपने लाइव ट्रेडिंग वीडियोज़ डालते हैं, तो लाइव ट्रेडिंग वीडियोज़ हों या कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो हो, उनकी नोटिफिकेशन आप तक प्रॉपरली मिल सके। तो सबसे पहले आप बात करते हैं निफ्टी 50 के बारे में कि है क्या। तो बिल्कुल, जैसा कि आप जानते हैं 50 वर्ड्स इसमें लगाए हैं, तो यानी कि 50 कंपनियां हैं इंडिया की जो कि स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हैं, और सबसे ज़्यादा उनका कैपिटल मार्केट कैपिटलाइजेशन है और भी कुछ क्राइटेरिया हैं, उनसे मिलकर ये इंडेक्स बनता है। तो निफ्टी 50 इसीलिए इसका नाम दिया गया 50। अब ये बना कब था, सबसे पहले इसकी बात करें तो देखिए, ये 22 अप्रैल 1996 को लॉन्च हुआ था और इसकी बेस डेट है वो है 3 नवंबर 1995, यानी 3 नवंबर 1995 को निफ्टी 1000 के से चलना स्टार्ट हुआ ना। आज आप जानते हैं कि निफ्टी की प्राइस जो है करीब 15000 के आसपास है, तो 15 गुना ज़्यादा अभी तक निफ्टी 1995 से लेकर अब तक हुआ है। अभी हम रिटर्न की बात करेंगे, लेकिन उसके पहले हम बात करते हैं इसकी कि इंडेक्स की रीबैलेंसिंग। रीबैलेंसिंग का मतलब होता है कि कोई स्टॉक कब बाहर हुआ निफ्टी से, या कोई दूसरा स्टॉक है जो अभी निफ्टी 50 में नहीं है वो निफ्टी 50 में कब आएगा, तो इसकी बैलेंसिंग कब होती है। तो वो सेमी एनुअली होती है। सेमी एनुअली का मतलब दो बार होती है साल में। अब कब कब होती है वो वीडियो के आपको लेटर सेक्शन में मैं बताऊंगा। अब बात करते हैं सेक्टर की कि किस सेक्टर का कितना ज़्यादा वेटेज है। तो अब बात करें, सबसे ज़्यादा वेटेज है जो निफ्टी 50 में वो है फाइनेंशियल सर्विसेज का। फाइनेंशियल सर्विसेज में कौन कौन आते हैं, HDFC। तो HDFC एक मेजर पोर्शन है जो कि फाइनेंशियल सर्विसेज में आता है, और भी हैं, बजाज फाइनेंस, बजाज फिंसर, ये कुछ जो फाइनेंस से रिलेटेड स्टॉक हैं वो फाइनेंशियल सर्विसेज में आते हैं, और उन्हीं का वेटेज सबसे ज़्यादा है, यानी 39.5%, जो कि बहुत ज़्यादा वेटेज होता है। दूसरे नंबर की बात करें IT की, IT में आप जानते हैं TCS, इन्फोसिस, विप्रो, ये सभी जो कंपनी हैं वो IT कंपनीज हैं, और इसका परसेंटेज जो है IT सेक्टर का वो है 15.73%। उसके बाद ऑयल एंड गैस, कंज्यूमर गुड, ऑटोमोबाइल, फार्मा, कंस्ट्रक्शन, मेटल, सीमेंट एंड प्रोडक्ट्स, टेलीकॉम, पावर, सर्विस और फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड। तो इस तरीके के कुछ सेक्टर मिला के इनका वेटेज मिला के निफ्टी 50 को बनाया गया है। हालांकि इस सेक्टर वाइज से आपको कुछ ज़्यादा हेल्प नहीं मिलने वाली, आपको हेल्प कहाँ से मिलेगी वो मैं आपको आगे बताऊँगा। अब बात करते हैं इंडेक्स की रिटर्न की, कि जब से निफ्टी बना है तब से उसने अब तक कितना परसेंट रिटर्न दिया है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इंसेप्शन से, यानी जब से निफ्टी फॉर्म हुआ है तब से उसने अभी तक का 11.14% सालाना रिटर्न यहाँ पर दिया है निफ्टी 50 ने। तो एक अच्छा खासा रिटर्न है, आप जानते हैं FD से बहुत ज़्यादा अच्छा है। अब बात करें जो मेन चीज़ है अपनी, कि जो इसके स्टॉक हैं कि किस स्टॉक का कितना ज़्यादा वेटेज है और इससे क्या फ़ायदा होने वाला है, अब मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि सपोज़ कीजिए सबसे ज़्यादा वेटेज रिलायंस का है निफ्टी 50 में, जो कि है 10.77%, और HDFC बैंक का भी उसके लगभग बराबर ही है 10.66%। तो कभी आप सोचिए कि अगर आप स्टॉक स्पेसिफिक ट्रेड करते हैं, आप स्टॉक में ट्रेड करते हैं, तो होता क्या है कि वैसे मैं स्टॉक में ट्रेड नहीं करता हूँ, मैं इंडेक्स में ही ट्रेड करता हूँ, लेकिन सपोज़ कीजिए आपको स्टॉक में ट्रेड करना है और आपने सोचा कि ICICI बैंक में ट्रेड करता हूँ आज, कि ICICI बैंक पे आपने टेक्निकल एनालिसिस की, जो भी एनालिसिस की, आपका मूड बना कि आपको बाय ट्रेड इसमें करना है, लॉन्ग जाना है, आपका सेटअप ये कह रहा है। लेकिन अगर रिलायंस, HDFC बैंक, इन्फोसिस, HDFC, ये कुछ स्टॉक हैं मतलब जिनका वेटेज ज़्यादा है, या और भी थोड़ी निफ्टी डाउन जा रहा है और आप ICICI बैंक में बुलिश हैं और आपका चार्ट कह रहा है कि नहीं यहाँ से ऊपर जाना चाहिए, तो ये आपके लिए एक सिग्नल है कि आपको वहाँ पर वेट करना चाहिए और फिर वहाँ पर बाई ट्रेड इनिशिएट नहीं करनी चाहिए। तो इस तरीके की कुछ हेल्प आपको इससे कॉन्स्टिट्यूएंट से मिल जाएगी। और अगेन ये दोनों के लिए बराबर है, जो लोग इंडेक्स में ट्रेड करते हैं चाहे फ्यूचर हो या ऑप्शन हो, उनके लिए भी ये चीज़ है कि सपोज़ कीजिए कि अगर मुझे निफ्टी का कॉल ऑप्शन बाई करना है किसी स्ट्राइक प्राइस का, और उस दिन मैं देखता हूँ कि रिलायंस, HDFC बैंक, इन्फोसिस, HDFC, ये कुछ चार स्टॉक हैं ये डाउन जा रहे हैं, नीचे जा रहे हैं, भले ही बाकी जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं वो मिलकर निफ्टी को ऊपर ले जा रहे हो, तो मुझे वहाँ पे अलर्ट हो जाना चाहिए कि जहाँ पे निफ्टी में जिसका सबसे ज़्यादा वेटेज है टॉप 4 का,
अगर वो डाउन जा रहे हैं तो मुझे वहाँ पर कॉल ऑप्शन लेने से पहले 10 बार सोचना चाहिए और अपनी एनालिसिस को फिर से एक बार रिव्यू करना चाहिए। या आप चाहें तो उस ट्रेड को छोड़ भी सकते हैं, आप मोस्ट ऑफ द टाइम प्रॉफिटेबल ही रहेंगे उस ट्रेड को छोड़ने में। तो इस तरीके से आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। तो ये टॉप 10 कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं निफ्टी के, जो आप चाहें तो थोड़ा सा रिमेंबर कर सकते हैं, इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी आगे जाकर। तो ये कुछ कॉन्स्टिट्यूएंट हो गए। अब बात करते हैं कि निफ्टी 50 में कंपनीज़ के शामिल होने का क्या क्राइटेरिया है या कंपनी के बाहर जाने का क्या क्राइटेरिया है। तो सबसे पहला जो क्राइटेरिया है, एक तो लिक्विडिटी। अब ये क्या टर्म है, बहुत सारे लोग लिक्विड तो बात करते हैं कि लिक्विडिटी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं, तो उसका मतलब क्या है। आपने बहुत सारे ऐसे स्टॉक देखे होंगे जब आप किसी में ट्रेड करते हैं कि सपोज़ कीजिए किसी स्टॉक की प्राइस 110 चल रही है, या आप अगर ऑप्शंस में भी ट्रेड करते हैं तो आप इसको इस तरीके समझ सकते हैं कि जो करंट एक्सपायरी है उसको छोड़ के आप अगली 2-3 एक्सपायरी का कोई ऑप्शन उठा के देखिएगा, तो उसमें आप ये देखेंगे कि सपोज़ कीजिए उसकी प्राइस अगर 100 चल रही है, वहाँ पर 100 लिख के आ रहा है अगर उसके ऑप्शन की प्राइस, और आप सोचते हैं उसको 100 पे बाई करेंगे, तो अगर उसकी आप मार्केट डेप्थ देखेंगे तो आप 100 पे बाई करना चाहते हैं तो सेलर आपको मिलेगा 108, 110 इस तरीके से पे, या फिर आप सेल करना चाहते हैं तो आपको बायर मिलेगा 195 पे या 90 पे। तो इसका मतलब यह है कि इमीडिएटली ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं होगी, यानी कि वहाँ बायर सेलर के बीच में बहुत ज़्यादा गैप है। यही एक मतलब होता है लिक्विडिटी का, कि लिक्विड का मतलब यह है कि आप निफ्टी 50 में कोई भी स्टॉक उठा लीजिए जो उसकी करंट प्राइस चल रही है, अगर आप वहाँ पर ऑर्डर पंच करेंगे तो इमीडिएटली अगर आप बाई कर रहे हैं तो बाई हो जाएगा, सेल कर रहे हैं तो सेल हो जाएगा। तो लिक्विडिटी एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो कि होना चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि कम से कम 100 मिलियन से ज़्यादा का बास्केट साइज होना चाहिए, यानी मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो 100 मिलियन से ज़्यादा होना चाहिए कंपनी का। फिर बात करें उसके बाद कि कम से कम 6 महीने से ज़्यादा की कंपनी की लिस्टिंग हिस्ट्री होना चाहिए, यानी 6 महीने से ज़्यादा कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड हो चुका हो अगर वो मार्केट में ऑलरेडी दूसरी कंपनी है तो। हालांकि अगर कोई न्यू IPO आता है और वो ऊपर के 2-3 क्राइटेरिया फुलफिल करता है तो उसके लिए थोड़ा सा रिलैक्सेशन है, वो मैं आगे आपको 4th पॉइंट में बताऊंगा। तीसरी चीज़ ये है कि जो भी कंपनी निफ्टी 50 में ऐड होगी उसका डेरिवेटिव सेगमेंट में होना बहुत ज़रूरी है, यानी कि उसमें फ्यूचर एंड ऑप्शंस कंपलसरी हैं। अगर फ्यूचर एंड ऑप्शन उसमें नहीं है, यानी डेरिवेटिव नहीं है, तो फिर वो कंपनी निफ्टी 50 में शामिल नहीं हो सकती। 4th पॉइंट वही है कि अगर कोई कंपनी न्यू कंपनी आती है अपना IPO लेकर और वो सारी कंडीशन फुलफ़िल कर रही, तो उसके लिए 6 महीने की जगह पे 3 महीने का टाइम पीरियड दिया गया है कि अब वो 3 महीने में भी इंटर कर सकती है अगर वो क्राइटेरिया फुलफ़िल हो रहे हैं। और कंडीशन ये है कि निफ्टी 50 में ऑलरेडी जो 50 कंपनी है उनमें से कोई कंपनी ऐसा बुरा परफॉर्म करती है जो कि एक भी क्राइटेरिया इनमें से मीट नहीं करती है, तो उसको बाहर कर दिया जाएगा और जो वो दूसरी कंपनी क्राइटेरिया फुलफ़िल कर रही है उसको अंदर कर लिया जाएगा। अब बात करते हैं इंडेक्स की रीबैलेंसिंग का ही मतलब वही है कि कौन सी कंपनी अंदर आएगी निफ्टी 50 में और कौन सी कंपनी बाहर जाएगी। इसको एक पूरा मैनेजमेंट होता है जो कि देखते रहते हैं, ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में सब शामिल होते हैं जो कि ये कब देखते हैं, इनका सेमी एनुअली ये रीबैलेंसिंग होता है, यानी कि इनकी जो कट ऑफ डेट है एक बार 31 जनवरी को रिव्यू करते हैं और उसके बाद 31 जुलाई को, और उसके अकॉर्डिंग अपना व्यू देते हैं कि हाँ इस कंपनी को रहना चाहिए निफ्टी 50 में या उसको दूसरी को आना चाहिए, इसको बाहर जाना चाहिए। तो 6 महीने में इसका रिव्यू किया जाता है। इसके अलावा दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं जो प्रॉस्पेक्टस जो आपके सामने है वो बिल्कुल लेटेस्ट प्रॉस्पेक्टस है जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, ये 26 फरवरी 2021 की इन्फॉर्मेशन है। आप चाहें तो इसको गूगल से डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो दोस्तों आई होप आपको आज का वीडियो जो बिल्कुल बेसिक सा वीडियो है और काफ़ी छोटा वीडियो है तो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, जो लोग नए हैं वो खुद भी सीखिए और दूसरों को भी सिखाइए। तो चलिए मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट यानी कल लाइव ट्रेडिंग के वीडियो में। कल है एक्सपायरी तो हम उसको डिस्कस करेंगे, लाइव ट्रेडिंग वीडियो लेकर आएंगे आपको। और अगर आपने हमारा आज का लाइव ट्रेडिंग वीडियो नहीं देखा है तो उसको जाके जरूर देखिए, उसकी लिंक मैं आपको ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो चलिए मिलते हैं आपसे कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच दोस्तों, गुड डे।